सभी को क्या कहना चाह रहे हैं रामलाल यादव जी। मेरे सभी भाइयों, छोटे बड़े भाइयों, दोस्तों को प्रणाम करता हूं और उनको नए सभी को नए साल की बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, नया साल आने वाला है, गाना आज का कैसा लगा? अच्छा गाना गाए, हिंदी गाना गाए, बहुत दिन से तमन्ना थी आपके आज अंदर। हमारा गाना रिकॉर्ड हुआ है, बहुत दिन से तमन्ना थी कि हमारे गुरु जी जो सर जी हमारे आनंद दुबे जी, जी इनके थ्रू हम आए हैं दामोदर सर जी के पास, हमारी बहुत तमन्ना थी। आज हम इतने खुश हैं कि क्या बताएं आपको। क्या बात है, क्या एक वो बात दिन है। था जब हम एक साल पहले पहला गाना गाए थे, आज ये दिन है जो हम 31वां 32वां गाना गाए हैं, लेकिन लग रहा है कि हम पहला गाना गाए हैं, वाह वाह इतने वाह, खुश हैं बहुत हम। अच्छी बात है। इसलिए हम दामोदर सर जी को तहे दिल से नमस्कार करते, क्या प्रणाम करते हैं बात है, और आप लोग को एक लाइन गाना सुना देते हैं। सुना दीजिए सुना दीजिए सुना दीजिए। ऐ मेरी जिंदगी क्यों तू रुलाती है, ऐ मेरी जिंदगी क्यों तू रुलाती है, बेवफाई करके बेवफाई करके खुद मुस्कुराती है, ऐ मेरी जिंदगी क्यों तू रुलाती है, ऐ मेरी जिंदगी वाह, क्यों तू रुलाती बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। नया साल में क्या प्लान है रामलाल यादव जी? बहुत सुंदर मधुर जी, बहुत सारी बात लिखे हैं, बहुत लंबा लिखे हैं। तो इंद्र सिंह, क्या बात, हैप्पी न्यू ईयर। क्या प्लान है नए साल में, आप संगीत को कितना समय देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? सर जी, हमारा प्लान क्या है, आज तो हम बहुत खुश हैं, उसके आगे क्या कहें, बस आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिले। हम यही चाहेंगे कि दामोदर सर जी हमको कितना जल्दी और कब और कैसे बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, हमारे मन में एक ख्वाहिश है। क्या बाकी बात है, मैजिक म्यूजिक वर्ल्ड के हमारे आनंद दुबे सर जी जो हैं, ये ये तो तो हमारे एकदम घर के जैसे हैं, बड़े भाई हैं या वो हैं। घर हाँ, के वो जैसे एकदम घर के हैं, घर की कंपनी है, समझ के गाते हैं। और दामोदर सर जी से पहला ब्रेक मिला है, एक साल पहले हम इनको मिले थे, लेकिन पहला ब्रेक मिला, बहुत खुश हैं। यही आशा करेंगे, सर जी से निवेदन करेंगे कि हमको अगला कब बुलाएंगे, हमें यही उम्मीद रहेगी कि कब बुलाएंगे, हमारे मन जल्दी में होगा, चाह आपकी ऐसी रहेगी। तमन्ना है तो वो हाँ दिन भी दूर नहीं है, हाँ वो भी होगा। हम मिलते हैं फिर अमिता एकदम, मौर्या जी से, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। जो अमिता मौर्या जी गाना मत सुनो ऐसे। आज ये भी पहली बार आई हैं यहाँ पे। नमस्ते। जी, और अच्छा गाई, आवाज़ भी अच्छी है, और संगीत में इनके अंदर जुनून इतना ज़्यादा है ना कि जो भी गा रही हैं बहुत अच्छी वो बात है, बड़ा खुले दिल से गा रही हैं, एकदम मिजाज से गा रही हैं। तो अमिता जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये साल, कैसा बीता, नया साल में क्या प्लान है, कहाँ कहाँ गाती हैं, कैसे गाती हैं, क्या संगीत के प्रति आपका कितना रुझान है? सर जी मुझे संगीत से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, और संगीत ही अपने ज़िंदगी मानती हूँ मैं। वाह और मैं यहाँ आके बहुत खुश हुई, वाह वाह पहली बार ऐसा मतलब लगा कि आज मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा गाना गाई हूँ जो वाह, आज मुझे दिल छू लिया मेरा। क्या बात है। केपी निषाद जी लिख रहे हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्या बात है, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात क्या है, बात है, क्या क्या बात बात, है। दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद केपी निषाद जी। बहुत सारा कमेंट आ, रमन जी आ गए, चंदन सिंह मधुर सर कुछ का भी आपका हो जाए। भी हो जाए अच्छा, आपका भी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा राधा। कालिया। केपी और आप निषाद जी, जय सबको निषाद दिल जी से जी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ क्या मैं। नए साल में क्या करने वाली हैं आप? बस और आगे अपने संगीत बढ़ाना चाहते हैं, एकदम संगीत के प्रति न्योछावर हैं, बस हाँ वही करना चाहते हैं, गाकर वही मतलब आज गाना खुश हैं आप? खुश हैं। क्या बात है, चलिए जय हमारी श्री राम, जय शुभकामना है श्री कि आप राम, यूं ही गाती रहें, बस संगीत के माध्यम से पब्लिक का दिल बहलाती रहें, आप भी खुश रहेंगे, वो भी आप भी खुश, खुश और मैं तो पहले से ही खुश रहेंगे। हूँ। तो आइए, बड़ा ही सुंदर, और ये साल जाने वाला है, जा रहा है और चला जाएगा। आपका था, आपके पास है ना, इधर रख दीना। चुनमुन प्रजापति, जय हो जय हो, सबको प्रणाम। अनामिका जी, एक जो दिन था और एक ये दिन है, ये दामोदर सर ही है जो धूल को भी चंदन बनाते बिल्कुल हैं। सही,
क्या बात है, बिल्कुल सही नाम किया जो आपने सही लिखा है कि पत्थर में मूरत संवारने की और पत्थर से मणि निकालने का जो काबिलियत है वो दामोदर सर के पास है। एक्चुअल में कोई दो राय नहीं है। ऐसी बातें फिर करके हमको आप लोग भाव विभोर कर देते हैं, फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ, हमारे पास सामने शब्द हो जाते हैं। आप बोलिए बोलिए, फिर आप बोलिए सर, हम बाद में बोलेंगे। अनामिका जी ऐसी बातें लिख दी, मनोज वाजपेयी जी के गांव के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी सोच है उनका और ऐसी श्रद्धा है उनके अंदर, उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है। अभी इनमें जितने लोग हैं, काफी लोग हम लोग अभी मिले भी नहीं है, बस फेसबुक पे फोन पे बातें होते हैं। चंदन भाई ये साल कष्ट जरूर दिया है, लेकिन आने वाला साल काफी अच्छा आएगा। जी जी जी, क्योंकि समय एक कुछ कुछ दिखाता है, कुछ कुछ सिखा के जाता है, कुछ प्रकृति द्वारा भी कुछ क्षति होती है तो उसका पूर्ति भी ईश्वर करता है। और गांव में भी एक साली साली मतलब खेती बाड़ी, एक दहाड़ सुखाड़ चल जाता है तो दूसरा वो बराबर कर देता है। ये सब 2021 जो है ना, सब कुछ अच्छा कर देगा। मैं क्या गाऊं आज, मुझे भी एक लाइन याद आ रहा है, अरे तूने तो मेरे प्यार का कैसा सिला दिया है, तूने तो मेरे प्यार का कैसा सिला दिया है, जा रे बेवफा तूने मुझको रुला दिया है, अरे जा रे बेवफा तूने मुझको रुला दिया है, तू है बेवफा ओ मेरी दिलरुबा, तू है बेवफा ओ मेरी जाने जा। चलिए ज्यादा नहीं, चंदन जी कहेगी आपके कुछ हो जाए, अभी बहुत सारा काम है। अच्छा तो आपको गाना चाहिए, फिर देखिए अमिता जी को गाना गाते हुए देखकर अरमान बाबू कह रहे हैं कि इसे स्टूडियो प्यार, स्टूडियो में प्यार ही प्यार मिलता है, बिल्कुल ये इंडिया नंबर वन है। ओहो ये भी देखिए, एक दिलेरी है, एक दरिया दिली है, अरमान बाबू बहुत अच्छा सिंगर है, छोटा बच्चा, और यहाँ गाया है, उनका गाना भी चला है, अभिषेक पांडे, रमन सिंह जी, ओहो हम साई राम, हम साई राम, सब साई के भक्त हैं। और साई बाबा कितना मैं पढूं वैसा ही होता है, क्या बात है। अभिषेक पांडे, रामलाल यादव जी, चंदन सिंह मधुर, मेलोडियस वॉयस, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, ऐसे ही चमक, ओहो क्या बात है। चंदन जी आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, और जल्दी आइए, आपका गाना रिकॉर्ड किया जाएगा। अभिषेक पांडे प्लीज टेल मी, क्या पूछ रहे हैं अभिषेक जी, ऊपर कुछ पूछे होंगे, नहीं दोबारा आएंगे तो। सिंगर अरमान बाबू, अरे रुआ खड़ा हो गया सर, क्या बात है। आपके अंदर वो संगीत है, वो भाव है, वो अच्छी भावना है, अच्छी सोच है, इसलिए गाने भी या किसी की बातें जो है अच्छी लगती है, ये आपके ऊपर निर्भर कहा जाता रहता है। और सभी जानते हैं, कहा भी जाता है कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है, ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, दिलेरी आपके अंदर है। अभिषेक पांडे जी आप कहाँ हैं सर, मुंबई में है अभिषेक पांडे जी, आप न्यू जनरेशन के आइकन हैं। ओहो हम लोग मुंबई में कांदीवली वेस्ट में है, चारकोप में, रिदम म्यूजिक स्टूडियो में, यहाँ आज बहुत ही सुंदर रिकॉर्डिंग हुआ। सभी आपको मैं बता ही दिया हूँ कि यह है आनंद राज, आनंद दुबे राज जी, रामलाल यादव जी और अमिता मौर्या जी। का मन हो रहा है कि एक गाना सुनाए, एक गाना मैं रूबरू करता हूँ, थोड़ा सा ही सुनाएंगे क्योंकि समय खाने पीने सोने का होते जा रहा है धीरे धीरे, गांव में तो लोग खा पी के लोग सो गए होंगे क्योंकि 8 बजने जा रहा है। अमिता जी सुनाइए, कैसा गीत सुनाना चाह रहे हैं? मैं हिंदी गीत सुनाना जरूर जरूर। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, 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 कहीं अपना दामन छुड़ा
तो न लोगे, कहीं अपना दामन छुड़ा तो न लोगे। वाकई अमिता मौर्या जी की आवाज हटके है, इनकी आवाजों में एक फोक है, फोक देहाती चीज होता है ना, गांवटी, गांवटी चीज है, एक अलग कशिश है, अलग खनक है, जो लोगों को सुनने में काफी अच्छा लगता है। जयप्रकाश मंडल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, प्रेरणा इन प्रणाम इन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सर। जी जी, आपको भी एडवांस में एक दिन पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गोरेज आकाश जी, कोई प्रस्तुति गाना सुना दीजिए, पैट्रियोटिक, अच्छा कोई देशभक्ति गीत। अभिषेक पांडे जी, क्या बात है, अभिषेक पांडे। आसिफ अंसारी सर जी, मुझे भी गाना है एक सॉन्ग, जरूर फोन कीजिएगा आसिफ जी, फोन कीजिएगा अभिषेक पांडे बहुत। जयप्रकाश मंडल जी, क्या बात है। चलिए मैं एक देशभक्ति गीत, एक लाइन याद आ रहा है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, गीत हाई स्केल का है, बड़ा लंबा है, का बहुत ऊंचा है, महेंद्र कपूर। हाँ, ये एक दूसरा हम सुना देते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने।